ओहो जिंदगी, ये क्या बात होती है। एक साड़ी दिया तुमने मुंह फुला लिया। अरे मैंने कहा ना नेक्स्ट मंथ सैलरी आएगी, दो दो साड़ी तुमको दिला दूंगा। भाड़ में गई तुम्हारी सैलरी और तुम्हारी साड़ी, मुझे नहीं चाहिए। अरे यार तुम गुस्सा मत किया करो, जब तुम गुस्सा करती हो ना तो गुस्से में तुम्हारा चेहरा लाल हो जाता है, लाल। बच के रहना, कहीं तुम्हारा मुंह लाल ना कर दूं मैं। ओहो मान भी जाओ ना, तुम्हारे पति की सैलरी इतनी सी है, उसी में घर का लोन, राशन, पानी, दूध, बिजली बिल सब देखना पड़ता है, हैं? बस करो, मुझे कुछ और नहीं सुनना। और अपनी सैलरी ना अपने पास रखो तुम, मैं भी ना पढ़ी लिखी हूँ, अपने खर्चे खुद उठा सकती हूँ मैं। क्या यार जिंदगी, एक साड़ी के लिए तुमने मुझे इतना सारा सुना दिया। क्या कहा, एक साड़ी? जब से तुमसे शादी करके आई हूँ ना, तुमसे कुछ मांग ही रही हूँ, कभी ये दिला दो, कभी वो दिला दो। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, कोई भिखारन हूँ, तुमसे जब देखो भीख मांगती रहती हूँ। जिंदगी तुम तो जानती हो ना कि मेरी सैलरी ज्यादा नहीं है, और जितनी है उतने में गुजारा करना पड़ेगा ना, उतने में समझौता करो ना। अच्छा सारे समझौते मैं ही करूं? तुम कोई समझौता मत करना। हर संडे तुम्हें पौवा चाहिए, हर संडे तुम्हें चिकन की बिरयानी चाहिए, सिगरेट की डिब्बियां तुम इतने इतने पी जाते हो, उसका क्या? तुम खर्चों में कोई कटौती मत करना। मेरी लिपस्टिक, मेरी बिंदी के खर्चे तुम्हें नजर आते हैं, हाँ? अपने खर्चों पे भी कटौती करो ना तुम। क्या जिंदगी, एक साड़ी के लिए तुमने मेरी पूरी हिस्ट्री खंगाल दी। उठाऊंगी ना अगली पिछली सारी हिस्ट्री उठाऊंगी मैं। जब हमारी शादी हुई थी ना और फेरे पड़ रहे थे, तो तुमने मुझे वचन दिया था कि जिंदगी, सारी जिंदगी तेरे सारे खर्चे उठाऊंगा। अरे वो तो पंडित जी ने कहा था, और जैसे जैसे बोला मैंने बोल दिया। और खर्चे तक की तो बात ठीक है, लेकिन मुझे तो तुम्हारे नखरे उठाने पड़ रहे हैं। उठाने पड़ेंगे खर्चे भी और नखरे भी, समझ गए? और मेरा ना ज्यादा दिमाग मत खराब करो, नहीं तो यही सड़क पर ना महाभारत शुरू कर दूंगी। मेरे सिर पर ना साड़ी का भूत सवार है, मुझे साड़ी चाहिए बस। अरे क्या यार जिंदगी, एक साड़ी के लिए रोड पे ही महाभारत करोगी तुम? साड़ी नहीं हुआ जैसे हीरो का हार हो गया। अरे 10 दिन बाद दिला दूंगा मैडम। अच्छा 10 दिन बाद वो साड़ी मिल जाएगी क्या? कितनी पसंद आ रही थी वो मुझे साड़ी, उसे कोई और लेके चला जाएगा। पूरे 1 साल बाद लेके गए थे तो मुझे शॉपिंग पर, अब मैं क्या पहनूंगी शादी की सालगिरह पर? अरे मैडम परम पूज्य माता जी की शादी की सालगिरह 3 महीने बाद है, अरे बहुत टाइम है, दिला दूंगा ना मैं तुमको। तुम्हारा तो बस यही रहता है, मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है, समझे? अरे बापू रुक। हाँ भाभी। मुझे घर छोड़ दे। अरे आप नहीं चलो क्या भैया? अरे ये नहीं जाएंगे, उनकी जरूरत नहीं है, तू चल। हाँ ले जा ले जा, वैसे भी तेरी भाभी के ऊपर शॉपिंग का भूत सवार है, मैं आ जाऊंगा खुद अपने आप ही। 10 बज गए हैं, जनाब का कोई अता पता नहीं है। मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी जो इन्हें वहां पर छोड़ दिया। बेवड़ा पार्टी कर रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ। मेरी साड़ी के लिए पैसे नहीं है इनके पास, और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए पैसे है इनके पास? आने दो आज इन्हें, ऐसा तांडव करूंगी ना कि इनको इनकी नानी याद आ जाएगी। अरे सुबह हो गई, सुबह के 10 बज गए हैं और ये अभी तक घर नहीं आए, ऐसा तो कभी नहीं किया इन्होंने। एक काम करती हूँ, फोन मिलाती हूँ इन्हें। The number you're calling is currently switched off. फोन स्विच ऑफ क्यों जा रहा है? दोबारा मिलाती हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं। इनका तो फोन ही बंद जा रहा है, अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, मोहन भैया को फोन मिलाती हूँ।
हेलो, हाँ भाभी। मोहन भैया, ये आपके साथ हैं क्या? नहीं भाभी, मैं तो 2-3 दिन से हरिद्वार आया हुआ हूँ फैमिली के साथ। क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या? अच्छा, आपके साथ नहीं है। ठीक है भैया, मैं रखती हूँ। ओके भाभी। कहाँ चले गए ये, ऐसा तो कभी नहीं किया इन्होंने। क्या करूँ, मनीष भैया को फोन मिलाती हूँ। हेलो। हेलो भैया, ये आपके साथ हैं क्या? नहीं भाभी, मेरे साथ नहीं है। वो ये ना रात से घर नहीं आए हैं। नहीं भाभी, कोई बात हुई है क्या? लड़ाई वड़ाई हुई क्या घर में? नहीं, लड़ाई तो नहीं हुई है। मुझे लगा कि आपके साथ होंगे। नहीं 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 भाभी, मेरे साथ नहीं है। ठीक है भैया। ठीक है भाभी। हे भगवान, कहाँ रह गए ये? अरे आप आ गए। कहाँ रह गए थे आप? आपको पता है मेरा क्या हाल हो गया? सोच सोच के परेशान हो गई मैं, बस जान ही नहीं निकली मेरी, बाकी सब कुछ हो गया। ये जिंदगी, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेके आया हूँ। साड़ी? यही तुम्हें पसंद थी ना कल? अरे ये साड़ी वाड़ी छोड़ो, और ये बताओ कि आप कहाँ थे? वो जिंदगी, कल जब तुम पप्पू के साथ चली गई थी ना, मैं अपनी बेबसी पे बहुत रो रहा था कि मैं अपनी बीवी की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता। बहुत रोया मैं, और तभी एक आदमी वहाँ पे मेरे से पूछा कि कोई काम करने वाले हो क्या तुम, दिहाड़ी वाले? मैंने कहा जी साहब जी, बताइए ना क्या काम करना है। तो उसका कोई लेबर था, वो रोड बन रही थी ना, तो वहाँ पे 25 गड्ढे करने थे, लाइटें लगवानी थी, और उस काम के लिए वो 2000 रुपये देने के लिए तैयार था। मैंने वो कर लिया। सुबह के 4 बजे तक मैंने वो काम किया, सुबह उसने मुझे 2000 रुपये दिए। हे भगवान, सिर्फ 2000 रुपये के लिए पूरी रात काम किया आपने? और जब आपका काम खत्म हो गया था, आप घर क्यों नहीं आए? अरे 2000 रुपये के लिए नहीं रे, तुम्हारी साड़ी लेने के लिए। और सुबह काम खत्म हुआ, फिर सोचा क्या घर जाऊँ, सुबह जब शोरूम खुलेगा तो वहीं से तुम्हारे लिए साड़ी खरीद के लेके आऊंगा। देखो यही पसंद थी ना तुम्हें, यही लाया हूँ। बस कीजिए आप, मुझे रुलाओगे क्या? 2000 रुपये के लिए आपने इतनी मेहनत की, 25 गड्ढे खोदे आपने, आप मुझे इतना प्यार करते हो, मुझे नहीं पता था मेरे लिए इतना कुछ झेला आपने, मुझे माफ कर दीजिए। अरे जिंदगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और तुम्हारी छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं ये सब ना कर पाऊँ तो लानत है ऐसी जिंदगी पे। तो मेरी जिंदगी हो जिंदगी। बस कीजिए, चलिए आप नहा लीजिए, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। हाँ, भूख भी मुझे बहुत लगी है। चलिए, मैंने कुछ खाया भी नहीं है। चलिए चलो।